नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपको सीधे ले चल रहा हूं राजस्थान, जहां इस वक्त तेज धूप और भयंकर गर्मी पड़ रहा है। यह है राजस्थान का शहर जोधपुर। इस जोधपुर शहर में या दूसरा सबसे बड़ा जनपद कहा जाने वाला जोधपुर, आज हम वहीं पर हैं, जहां आप देख सकते हैं कि यह जोधपुर शहर सूर्य नगरी भी कहते हैं, क्योंकि जोधपुर में सीधे जो है सूर्य भगवान का जो बास है, जो सीधे नज़र होता है, वह सीधा ही सूर्य निकलता है। यहाँ पर भयंकर तेज धूप और तेज गर्मी होने की वजह से लोग बहुत काफ़ी भयभीत हो रहते हैं, क्योंकि भी और बाहर निकल जाओ दोपहर में तो हालत से बेहालत हो जाती है, क्योंकि सुबह 10 बजे से ही इतना तेज़ धूप होता है कि लोगों को बाहर निकलने के लिए यदि कोई काम हो तो मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त संपूर्ण भारतवर्ष में गर्मी तो हो रहा है, लेकिन इसके मुकाबले से देखा जाए तो अधिक धूप और तेज गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। यहाँ पर लाजमी है, यदि कोई काम है तो आप बाहर आपको जाना है तो अत्यधिक धूप सहना पड़ेगा, अत्यधिक गर्मी आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि यह सूर्य की नगरी कहा जाने वाला और सीधे सूर्य भगवान निकलते हैं और नज़दीक भी रहते हैं। तो यह नज़दीक का जो आप वातावरण देख सकते हैं कि अधिक गर्मी पड़ती है और बहुत जल्द यदि आप छत पर पानी रख दीजिए तो आपका पानी का टंकी भी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यह है राजस्थान, जहां हम पहुंच चुके हैं। आज आपको यह खास नज़ारा दिखा रहे हैं। यहां पर बड़े बड़े पहाड़ और अनेक ऐसे आपको टापू दिखाई देंगे, जहां आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर महल और कितना पूरा तत्व, यानी कि पुराने पुराने महल और अनेक ऐसे पुराने संस्कार आज हम सभी को देखने को मिल रही है। यह है राजस्थान, जो राजस्थान की शहर खूबसूरती को लेकर बहुत ही खास अंदाज में दिखाई देती है। यहाँ पर लोग आने जाने वाले खास नज़ारों साथ राजस्थान, जयपुर, उदयपुर और अनेक जो है ज़िलों में, जहाँ पर खास सैलानी, देश विदेश के सैलानी यहाँ पर आते हैं। यहाँ राजस्थान की अनेक पुरातत्व और अनेक ऐसे पुराने संस्कार, रीति रिवाज हमारे देश में पाए जाते हैं, जो लोग अपनी अपनी संस्कार और रीति रिवाज को आज भी बरकरार कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ की पहनावा, ओढ़ावा और अनेक जगहों की अनेक संस्कार, रीति रिवाज, अलग अलग लोगों का पहनावा और खान पान और अनेक बोली भाषी का भी फ़र्क आप देखेंगे, जो कि भारत ही एक ऐसा देश है, एक ऐसा जो है आप देख सकते हैं कि देश है कि यहाँ पर कदम कदम पर भाषा, कदम कदम पर बोलचाल, अनेक ऐसी जो है बदलाव देखने को मिलती है। तो राजस्थान का यह सुंदर सा नगरी, जहाँ जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और सबसे दूसरा ज़िला और बड़ा ज़िला कहा जाने वाला जोधपुर और सुंदर सा नगरी या ज़िला शहर, भारत की सुंदरता, पुराने किला और ऐतिहासिक महल से देश की सौंदर्यता दिखाई देती है। यहाँ पर आपको ले चल रहा हूँ जोधपुर, ऐतिहासिक शहर, जो पूर्वजों ने यह सभ्यता और अनेक ऐसे जो है लोगों का संभाल रखे हैं, जो आज भी जो है प्रमाण और अनेक ऐसे खूबसूरती झलक रही है। जोधपुर का नाम पहले माधवपुर हुआ करता था, लेकिन इसका नाम बदलकर इसका जो है जोधपुर रखा गया, या जोधपुर माधवपुर कहने वाले और मारवाड़ियों का शहर माधव राज्य कहा जाता था। आज भी कहीं कहीं पर गांव, अनेक जगहों पर इसका भी नाम और अंश देखने को मिलता है। जोधपुर शहर कहा जाने वाला या जोधपुर का नामकरण या करण राव जोधा ने 12 मई 1459 में ईस्वी में आधुनिक जोधपुर शहर की नाम रखा गया था, जो स्थापना दिवस अभी 12 मई को मनाया गया 2024 को। तो आज दोपहर
जो है जोधपुर की इतिहास और अब तक का 566वां स्थापना दिवस का जो अवसर रहा है आज हम सभी लोग खुशियों के साथ मनाया गया। तो राजस्थान की दूसरा सबसे बड़ा जनपद जोधपुर और जोधपुर का इतिहास बहुत ही ऐतिहासिक गाथा युद्ध और शौर्य से रहा है। ऐतिहासिक गाथा आज भी प्रथम जो है लहरा रहा है। यह जोधपुर का न्याय का भी राज्य कहा जाता था। आज भी यहाँ पर हाई कोर्ट जो है जोधपुर में बना है और न्याय का जिला कहने वाला आज भी यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कार, रीति रिवाज माड़ोपुर की राजधानी जोधपुर को आज भी निखार रहा है। यह जो है राठौड़ प्रमुख राघव जो जोध ने 12 मई 1449 ईस्वी में जोधपुर का नाम निर्माण किया था, जो प्राचीन मंडोर के नाम पर भी जोधपुर को कहा जाता था। आज भी इलाके के अनेक मारवाड़ी नाम से जाना जाता है। जोधपुर खूबसूरत और सौंदर्यकरण से यह स्थापना किया गया था, जिसे कि आधुनिक जोधपुर कहा जाता है। आधुनिक का मतलब होता है कि जीवन में आगे बढ़ने वाला या आधुनिक जीवन में सबसे विकास करने वाला जिला है, जो कि देश और विदेशों के सैलानी और पर्यटक यहां पर आते हैं दर्शन करने, देखने और यहां की संस्कृति खूबसूरती का झलक जो है बेमिसाल राजस्थान की बनी हुई है। राजस्थान की खैर कहीं किसी भी ज़िले में आप चले जाइए तो राजा महाराजाओं का यहाँ पर महल और अनेक ऐसे किले मिलेंगे जो सुंदरता की झलक दिखाई देती है। तो आपको खास जगह ले आया हूँ जहाँ आप राजस्थान की खूबसूरती आज जो है सौंदर्यीकरण दिखा रहा है। आज सुबह टाइम टीम आप सभी को ऐतिहासिक शहर जो राजा महाराजाओं का किला और अनेक ऐसे सभ्यताओं का पुराना संगम रहा है, जो जोधपुर का नाम जो है माणपुर का आज हम सभी मारवाड़ियों का शहर कहा जाने वाला या जो है आपको जोधपुर लेकर आया हूँ, जो पुराने संस्कार रीति रिवाज का एक अनेक अनोखा संगम लेकर हम सभी को आगे बढ़ रहा है। तो फिर हम आपसे मिलते हैं जोधपुर में। इस वक्त आज सुबह टाइम टीम आप सभी का स्वागत करती है और सभी सैलानी, सभी पर्यटकों का और खूबसूरती का आज अंदाज हम सभी आज सुबह टाइम टीम अपने कैमरों में कैद कर और आपको खास नज़ारों के साथ दिखाना चाहता है। तो फिर हम आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।